Hey, welcome back. I am Bik Kumar from Online English Schooling Platform. In this video lecture, we are going to tell you how to use of has, s have. Have plural helping verb है, have का singular has है. Have, s has किसी sentence में represent करता है possession को, अधिकार को. इसका rule है subject plus have या has plus other word. हैव आएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव आएगा और सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज आएगा. हम सेंटेंस से समझने का प्रयास करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक कार है. मेरे का क्या होता है? मेरे का आई होता है. आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा ये हैव. तो आई के साथ आई हैव एक कार है. आई हैव अ कार. अब नेक्स्ट है हमारे पास एक हाथी है. हमारे यानी कि हमारे का होता है वी. तो वी भी प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा. वी हैव एक हाथी है यानी कि एलिफेंट. एन एलिफेंट होगा. अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास पांच गाय है. तुम्हारे का यू होता है. यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा. यू हैव तुम्हारे पास पांच गाय है. यू हैव फाइव काउ. काउज होगा क्योंकि गाय यहाँ पे प्लूरल है इसलिए काउज आया है. अब नेक्स्ट है कुछ किसानों के पास बहुत कम जमीन है. कुछ किसान का क्या होगा? सम फार्मर. सम फार्मर भी कुछ किसानों है. सम फार्मर्स होगा. सम फार्मर्स हैव बहुत कम जमीन है. A little land यानी कि LITTLEELAND. अब नेक्स्ट है सेंटेंस सीता के पास एक गुड़िया है. सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीता के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा. सीता हैज के पास एक गुड़िया. सीता हैज अ डॉल. अब नेक्स्ट है उसके पास एक साइकिल है. उसके का होता है ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ही हैज अ बाइसाइकल. नेक्स्ट सेंटेंस है रामू के पास पांच बसें है. तो रामू है यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर. लिखना है रामू हैज पांच बसें है. रामू हैज फाइव. बस का बसेज होता है BUSES बसेज. अब नेक्स्ट है सीता के पास कुछ नहीं है. तो सीता भी यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगा. तो सीता यहाँ पे लिखना है सीता हैज कुछ नहीं है का होता है नथिंग NOTHING. सीता के पास कुछ नहीं है. सीता हैज नथिंग.